तो टैक्सोनॉमी टर्म सबसे पहले यूज की थी एपी डिकेंडोल, राइट। सबसे पहले अपनी बुक में एपी डिकेंडोल ने सबसे पहले, बुक का नाम क्या था, थियरी ऑफ एलिमेंट्री डीला, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री डीला बोटेनिकी, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री डीला बोटेनिक, राइट। और लीनियस को सिस्टमैटिक्स का फादर कहते हैं। क्लासिकल सिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स कोइन भी लिनियस ने किया एंड इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, सॉरी फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स। और टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो क्लासिकल सिस्टमैटिक्स, क्लासिकल सिस्टमैटिक्स, क्लासिकल सिस्टमैटिक्स जिसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही यूज किया जाता है इज नोन एज अल्फा टैक्सोनॉमी, अल्फा टैक्सोनॉमी। ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर यूज्ड। फॉर क्लासिफिकेशन, राइट। और उसी में हमने पढ़ी थी अलग अलग ब्रांचेस टैक्सोनॉमी की, कीमो टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी, एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। सो जो अल्फा टैक्सोनॉमी का कंसेप्ट था, इट वॉज गिवन बाय ट्यूरेल। तो ट्यूरेल जो साइंटिस्ट थे, ट्यूरेल ने टैक्सोनॉमी को तीन टाइप्स में डिवाइड किया, अल्फा टैक्सोनॉमी, जो मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड है, मॉर्फोलॉजी बेस्ड। और इस मॉर्फोलॉजी बेस्ड टैक्सोनॉमी में कंपाइलेशन करते हैं फ्लोरा का, कंपाइलेशन होता है मोनोग्राफ का, राइट। बीटा टैक्सोनॉमी, तो इसमें मॉर्फोलॉजी और मॉर्फोलॉजी के साथ साथ साइटोलॉजी जिसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी को भी कंसिडर किया जाता है टू स्टडी और टू क्लासिफाई। एंड थर्ड वन इज ओमेगा टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी। सारे बायोकेमिकल और माइक्रोस्कोपिक जो एविडेंसेस हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ स्टडी किया जाए, इवोल्यूशनरी एविडेंसेस, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप प्लस माइक्रोस्कोपिक एंड बायोकेमिकल एविडेंसेस, माइक्रोस्कोपिक एंड बायोकेमिकल एविडेंसेस को जब यूज किया जाए देन इट इज कॉल्ड ओमेगा टैक्सोनॉमी। तो तीन टाइप की टैक्सोनॉमी कंसेप्ट दिया, अल्फा, बीटा एंड ओमेगा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड है, बीटा टैक्सोनॉमी
मॉर्फोलॉजी के साथ साथ साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। एंड इन ओमेगा टैक्सोनॉमी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद माइक्रोस्कोपिक एंड बायोकेमिकल स्टडीज आर कंसिडर्ड। ओके, उसके बाद हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पढ़े हमने। नाउ हिस्ट्री एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स कंट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी, कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल साइंटिस्ट। एंड वी स्टार्ट विद एरिस्टोटल। फर्स्ट वन इज एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। प्लांट्स को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे डिवाइड किया, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और उसमें तीन ग्रुप बना दिए, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स, श्रब एंड ट्रीज। तो ये पहला कंट्रीब्यूशन था एरिस्टोटल का। उसके बाद सेकेंड वन वाज थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस फादर ऑफ बोटनी। थियोफ्रेटस इज फादर ऑफ बोटनी, और उसने प्लांट्स को क्लासिफाई किया चार ग्रुप्स में, हर्ब, शर्ब्स, ट्री तो पहले ही आ गया था, अंडर शर्ब्स एक और। इन तीनों के अलावा, हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज के अलावा, एक और ग्रुप दिया अंडर शर्ब्स। अंडर शर्ब तो चार ग्रुप हो गए प्लांट्स के अकॉर्डिंग टू थियोफ्रेटस। एंड उसकी जो बुक थी कौन सी थी, हिस्टोरिका, हिस्टोरिया प्लांटेरम। बुक वाज हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम वाज रिटन बाय, और फर्स्ट बुक है बोटनी की। थियोफ्रेटस ने सबसे पहला आर्टिफिशियल सिस्टम दिया क्लासिफिकेशन का, फर्स्ट आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज बाय लिनियस, सॉरी बाय थियोफ्रेटस। एंड उसने ही सबसे पहले प्लांट्स को एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल में क्लासिफाई किया गया, क्लासिफाई किया बाइनियल और पेरेनियल में क्लासिफाई किया, एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल। कि एक सीजन में या दो सीजन में या दो से ज्यादा सीजन में लाइफ अगर कंप्लीट होती है, लाइफ साइकिल अगर कंप्लीट होती है, तो उसके बेसिस पे एनुअल, बाइनियल, एनुअल वन सीजन, बाइनियल टू सीजन्स एंड पेरिनियल मैनी सीजन्स
कई सालों तक जो सरवाइव करते हैं, इसमें ट्रीज आ जाते हैं। देन कैरोलस लीनियस, थर्ड वन इज कैरोलस लीनियस। तो स्वीडिश साइंटिस्ट था, पूछा हुआ क्वेश्चन है स्वीडिश था, स्वीडन का था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। और बायोमिक नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, प्लांट्स को सॉरी ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया, प्लेंटी एंड एनिमेलिया। एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। लीनियस के पास जो अगला कंट्रीब्यूशन आता है वो एपिडिकेंडोल, फर्स्ट सिग्निफिकेंस बताई उसने वैस्कुलर टिश्यू की टैक्सोनॉमी में, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इंपॉर्टेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम को कहते हैं, तो वैस्कुलर टिश्यूज की इंपॉर्टेंस बताई। एंड देन बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर सबसे वाइड जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, नेचुरल सिस्टम एंजियोस्पर्म्स का, या हम कह सकते हैं स्पर्मेटोफाइट्स का, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। और बिगेस्ट भी है ये, उनकी जो बुक थी दैट वाज जेनेरा प्लांटेरम, बुक जेनेरा प्लांटेरम में उन्होंने अपने सारे फाइंडिंग्स को पब्लिश करवाया, जेनेरा प्लांटेरम। एंड दे वर एसोसिएटेड विद रॉयल बोटनिकल गार्डन, रॉयल बोटनिकल गार्डन से एसोसिएटेड थे, दे वर एसोसिएटेड विद रॉयल बॉटनिकल गार्डन। जो मेरिट्स थी वो हमने डिस्कस की, जो डीमेरिट्स थी, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स था, ड्रॉबैक था कि उन्होंने सबसे पहले क्या क्या गलती की, उन्होंने जो जिम्नोस्पर्म थे उनको मोनोकोट और डाइकोट्स के बीच में रख दिया, जिम्नोस्पर्म वर प्लेस बिटवीन मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स, जबकि फाइलोजेनी क्या होती है कि जिम्नोस्पर्म मोनोकोट एंड डाइकोट। सो ड्रॉबैक ऑलरेडी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं, बट अगेन आई एम राइटिंग इट, जिम्नोस्पर्म्स वर प्लेस्ड बिटवीन मोनोकोट्स
डाइकोट्स। जबकि फाइलोजेनी क्या होती है, सीक्वेंस क्या है? फाइलोजेनी ये बताती है कि जिम्नोस्पर्म सबसे पहले आए, जिम्नोस्पर्म के बाद डाइकोट्स अपीयर हुए, एंड आफ्टर डाइकोट मोनोकोट्स। नेक्स्ट जो नाम आता है दैट इज AW एक्लर। फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम वॉज प्रपोज बाय एक्लर। उसने प्लांट किंगडम को 5 डिवीजन में बांट दिया और उससे फिर उसके ऑर्डर्स बना दिए। सो किंगडम, किंगडम से 5 डिवीजन्स, एंड दिस डिवीजन्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्डर। सो किंगडम, डिवीजन, ऑर्डर। और उसकी जो सीक्वेंस थी कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा लीड्स टू टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। बट इसी के बीच में ये बात आई, एक दूसरे साइंटिस्ट थे हचिंसन, हचिंसन, उन्होंने कहा कि मोनोकोट्स आर मोर एडवांस्ड एज कंपेयर टू, इन 1926 मोनोकोट्स आर मोर एडवांस्ड देन डाइकोट्स। मोनोकोट्स ज्यादा एडवांस हैं डाइकोट्स से, ये उन्होंने प्रपोज किया। इफ यू मूव फर्दर, ओसवाल्ड टीपो, ओसवाल्ड टीपो 6-7, ओसवाल्ड टीपो, ओसवाल्ड टीपो ने कहा कि जो प्लांट्स हैं उनको एम्ब्रियो के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया जा सकता है। सो उसने सबसे एलोबरेटेड, सबसे डिटेल, सबसे एक्सेप्टेबल जो सिस्टम दिया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का, बिगेस्ट एंड वाइडली एक्सेप्टेड, एंड वाइडली एक्सेप्टेड फाइलोजेनेटिक सिस्टम, वॉज गिवन बाय ओसवाल्ड टीपू। उसने जो प्लांट किंगडम था उसको एम्ब्रियो के बेसिस पे